ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है आई लिव इन अ स्मॉल टाउन तो मेरे पास उतने resources नहीं थे एंड आई आई डिसाइडेड दैट विल डू इट सेल्फ यू यू डोंट डोंट हैव हैव मनी इनफ बट यू कैन स्टिल क्लियर द एग्जामिनेशन ऑल यू नीड इज अ फोन एंड सीखिए स्पोकन इंग्लिश पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ

एंड येस इफ़ आई कैन डू इट सो कैन यू बस ज़रूरत सिर्फ एक चीज़ की है वो जोश और जुनून और सब कुछ हासिल हो सकता है तो इस जर्नी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक स्मॉल टाउन से श्री गंगानगर जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ एवर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड आई वॉज वेरी एम्बिशियस एंड आई हैड ड्रीम्स फॉर माई सेल्फ तो मैंने ख़ुद के लिए गोल सेट कर लिया था कि मुझे दिल्ली के एक रन्नाउंड कॉलेज से ग्रेजुएशन करनी है और वहीं से प्लेसमेंट लेनी है या तो डेली का वो कॉलेज या फिर कुछ नहीं एंड मैं उन बच्चों में से थी जो क्लास में सिर्फ टॉप ही करते थे चाहे वो अकेडमिक्स हो या फिर को कैरिकुलर्स हो मैंने एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया बट आई कोडेंट गेट थ्रू इट और दूसरे कॉलेज में जाने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे इतने तो मुझे और कहीं एडमिशन नहीं भी लेना था लेकिन ग्रेजुएशन तो करनी थी तो मैंने मेरी ही सिटी के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया था इन द ईयर 2018, एटीन आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन एंड ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है आई विल अपेयर फॉर द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एंड आई हैड टू ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ मी ईदर बैंकिंग और एस एस सी सो आई हैड पीपल अराउंड मी जो कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम कर रहे थे सो बट डिस्कसिंग विद दैम आई फाइनली केम टू अ कंक्लूजन दैट आई वॉन्टेड टू गो इन टू बैंकिंग अब अगर आप कोई भी चीज़ डिसाइड करते हो तो उसके बारे में पूरी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है स्मॉल टाउन तो मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे एंड आई डिसाइडेड दैट आई विल डू इट बाई माई सेल्फ तो मैंने पढ़ना शुरू किया बट मेरे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं था ज़्यादा नॉलेज नहीं थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या चीज़ कैसे करनी है एंड आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज तो मेरी फैमिली और रिलेटिव ने मुझे बोला कि आप कोचिंग ज्वाइन कर लो उनके कहने पर कोचिंग भी ज्वाइन कर ली लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ दैट आई एम नॉट गेटिंग हंड्रेड परसेंट आउटपुट फ्रॉम इट मैं अपनी एबिलिटीज जितनी मेरी एबिलिटी है उस पर मैं उतना काम नहीं कर पा रही हूं आई एम नॉट स्टडिंग वेल बीस दिन के बाद मैंने वो कोचिंग छोड़ दी एंड आई वॉज वेरी डीमोटिवेटेड बिकॉज पेरेंट्स के पैसे तो वेस्ट हुए ही थे और कुछ बना भी नहीं था आई हैड द बेस्ट थिंग द इंटरनेट एंड इट वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी एंड आई वॉन्ट टू कन्वे दिस मैसेज टू ऑल ऑफ यू कि फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से हो यू डोंट हैव मनी यू डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज बट यू कैन स्टिल क्लियर द एग्जामिनेशन ऑल यू नीड इज अ फोन एंड एन इंटरनेट पैक अब मैंने पढ़ाई तो शुरू कर दी थी बट इट वॉज ऑल ओवर द प्लेस एंड सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी क्या थी कि मैंने सिर्फ प्रिलिम्स एग्जामिनेशन पे फोकस किया था आई डेंट प्रिपेयर फॉर द मेन्स एग्जामिनेशन एंड इन रिजल्ट ऑफ इट आई फेल्ड एंड वो बच्चा जो क्लास में हमेशा टॉप करता है उसको जब पहला फेलियर लगता है ना तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग होता है मेरे साथ भी यही हुआ आई कुडेंट बिलीव इट मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे फेल हो सकती हूँ आई जस्ट कुडेंट एक्सेप्ट इट लेकिन उसी दौरान मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें किसी ने यह कहा था कि इंसान का आईना वो खुद ही होता है उसे ये पता होता है कि वो कहाँ गलत जा रहा है ओनली यू नो वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग ओनली यू नो योर मिस्टेक्स और मुझे एक बिलीफ आया खुद में कि यस आई कैन रेक्टिफाई माई सेल्फ एंड आई कैन मेक माई सेल्फ बेटर एंड मैंने प्रिपरेशन फिर से शुरू करी जो गलतियाँ मैंने करी अपनी प्रिपरेशन में वो आप ना करें इसलिए मैं आपको अब ये बताऊंगी कि मैंने इंटरनेट से पढ़ाई कैसे करी अब फिर से पढ़ाई शुरू करनी थी और बहुत अच्छे तरीके से करनी थी तो जब भी हम लोग किसी भी पढ़ाई को शुरू करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं हम लोग सिलेबस खोल के देखते हैं कैसे करना है लेकिन मैं डिटेल में गई डिटेल ऑफ द सिलेबस स्टार्टिंग विद इंग्लिश क्वॉन्ट एंड रीजनिंग मैंने हर एक चीज को अच्छे से एनालाइज किया कि पेपर पैटर्न क्या है प्रिलिम्स में कितने क्वेश्चन हैं कितने सेक्शंस हैं और कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है सिमिलर गोस फॉर द मेन्स एग्जामिनेशन कि कौन कौन से और नए सेक्शन एड हो रहे हैं एक बहुत अच्छी चीज जो मैंने करी आई कंपेयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको ये आइडिया लग जाता है कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और उनकी वेटेज कितनी रहेगी सिर्फ पढ़ना शुरू कर देते हैं अब पहले जैसे मैंने गलती करी थी कि सिर्फ प्रलिम्स का ही पढ़ा था, पे फोकस नहीं करा था और स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई नहीं करी थी तो वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी थी तो सबसे पहले मैंने क्या किया जनरल अवेयरनेस जैसे मैंने पहले हाथ भी नहीं लगाया था तो अब जनरलनेस मेरा सबसे पहला फोकस था

करंट अफेयर्स और एडिटोरियल्स की आदत तो पढ़ ही गई थी लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स का क्या वो भी तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पढ़ने ही हैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैंने एक फोर डे कैड्यूल फॉलो किया स्टार्टिंग विद डे वन जिसमें बेसिक क्वेश्चंस किए डे टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन डे थ्री एडवांस क्वेश्चन एंड डे फोर वॉज द टेस्टिंग डे जिस, जिस पर मैंने खुद को टेस्ट दिया थ्रू गिविंग द क्विजेस अब आप ये पूछोगे कि इतनी सारी वेबसाइट्स हैं इतने सारे चैनल्स हैं हर एक चीज़ को करना कैसे है सॉर्ट आउट कैसे करना है तो इसका भी एक सॉल्यूशन है जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करो उससे एक वीक पहले आप खुद को दो जिसमें आप डिफरेंट चैनल्स और डिफरेंट वेबसाइट्स को देखो अच्छे से और वहाँ से एनालाइज करो कि आपके लिए कौन सा बहुत ज़्यादा सही लग रहा है एंड इस एक हफ्ते में यू विल गेट टू नो वच टीचर वर्क्स वेल फॉर यू और इसी तरीके से सब सॉर्ट आउट हो जाएगा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर आपका बेसिक क्लियर है बहुत अच्छे से तो एडवांस भी इजीली क्लियर कर सकते हो एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप खुद को रेगुलर इंटरवल्स पे टेस्ट करते रहो आप टेस्ट कैसे कर सकते हो यू कैन गिव टॉपिक वाइज क्वेजेस फ्रॉम मेनी वेबसाइट्स और क्वेज का क्या रहता है वहाँ पे एक टाइमर का ऑप्शन भी होता है विच गिव्स यू अ रियल एग्जामिनेशन फीलिंग फोर डेज स्टेड्यूल फॉर टू मंथ्स एंड आई बिलीव दू मंथ टू गेट इन टू एनी स्केड एंड टू फॉलो इट प्रॉपरली स्केड से क्या बेनिफिट रहता है कि हमें हर एक चीज की हैबिट हो जाती है और एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग हर चीज को पढ़ पाते हैं अब एक चीज जो सबके मन में कई बार डाउट में रहती है कि सारा दिन हमारी इतनी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता माई क्वेश्चन इज वाई डू यू नीड टू अटेंड ऑल द क्लासेस एक ऑप्शन है हमारे पास उन्हीं क्लासेस की पी को डाउनलोड करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं खुद से और अगर हमें लग रहा है कि किसी क्वेश्चन की हमारी अप्रोच सही नहीं है और वी आर टेकिंग मच टाइम इन दैट या कोई डाउट क्रिएट हो रहा है तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम उस वीडियो से कर सकते हैं दिस वॉज माई टेक एंड इट सेव्ड माई टाइम एंड आई गॉट इनफ टाइम टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन अब जब मैंने इतना प्रैक्टिस कर लिया रेगुलरली तो एग्जामिनेशन जब आते हैं तब ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर से उसी बेसिक से स्टार्ट करने की एंड इसी दौरान एस बी आई पी ओ का नोटिफिकेशन आ चुका था एंड प्रिलम्स एग्जामिनेशन वॉज नियर तो अब सोचने वाली ये बात थी कि स्मार्ट मूव क्या किया जाए जिससे हम लोग एक, एक एक्स्ट्रा एज गेन कर सकें तो स्मार्ट मूव ये रहने वाला था कि जो हमने पढ़ा है जितना भी पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करने का टाइम अप था ना कि नए कॉन्सेप्ट सीखने का प्रीलिम्स में ये रहता है कि आपको स्पीड चाहिए होती है एक्यूरेसी चाहिए होती है जो कि आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी तो जब दो वीक्स रह गए थे एस बी आई पीओ प्रिलियम्स को तो मैंने हर दिन मॉक टेस्ट दिया ना सिर्फ एक ना सिर्फ दो कभी कभी तीन भी दिए एंड दैट वॉज माई टेक एंड इट प्रूव्ड वेरी बेनिफिशियल फॉर मी हम लोग यही गलती करते हैं कि मॉक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देते हैं बट मैंने दिया तो दैट वॉज अ स्मार्ट मूव ऑल्सो काफ़ी लोग आप में से मुझसे रिलेट कर पाएंगे मेन्स एग्जामिनेशन के लिए हमारे कुछ सेक्शंस जो होते हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं होते हैं अगर मैं खुद की बात करूं देन रीजनिंग एंड मैथ्स मैं उलझ जाती थी मेंस एग्जामिनेशन में बट उसका भी सॉल्यूशन है सिंस यू हैव फोर सेक्शंस इन द मेंस एग्जामिनेशन सो यू हैव टू बाई योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड योर वीक पॉइंट्स हर एक पॉइंट पे खुद को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है जैसे कि चार सेक्शंस होते हैं इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस ये दोनों मेरे लिए एग्जामिनेशन में गेम चेंजर्स रहे थे अगर मैं किसी भी पीओ एग्जामिनेशन की बात करूँ तो रीजनिंग की बात की जाए तो सेक्शनल कट ऑफ टेन टू फिफ्टीन मार्क्स रहती है और पॉइंट्स की बात करूँ तो सेवन टू एट मार्क्स रहती है तो क्यों ना सिर्फ इनकी कट ऑफ क्लियर की जाए और बाकी सब्जेक्ट्स में एक एक्स्ट्रा एज गेन किया जाए और वही मैंने किया मैथ्स और रीजनिंग दैट मीन्स कॉन्ट और रीजनिंग उतना ही किया जिससे मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाए सेक्शनल एंड बाकी सब्जेक्ट्स इतने स्ट्रांग किए कि मैंने एक एक्स्ट्रा एज गेन किया एंड आई कुड स्कोर वेरी वेल एंड फ्रेंड्स विद द सेम प्रिपरेशन

कई बार प्रिपरेशन के टाइम बहुत ज्यादा डीमोटिवेटिंग फील होता है बहुत ज्यादा लो फील होता है लेकिन उस टाइम पे आपको ही खुद को समझाना है दैट यू आर द बेस्ट सो कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ योर प्रिपरेशन ट्रस्ट मी यू कैन डू इट क्या आप अपने करियर और जिंदगी के ग्रोथ से खुश हैंSatisfied हैं हमारे करवाए गए एक सर्वे के मुताबिक 75% से ज्यादा लोगों का यह कहना है कि अगर वो अपनी पर्सनैलिटी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश फ्लुएंसी पर ज्यादा फोकस कर पाते तो वो अपने करियर में बहुत आगे होते मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी उन 75% परसेंट लोगों में से हो इसलिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं एक ऐसा सुझाव जिसने आज तक एक लाख तीस हजार से ज्यादा लोगों की मदद की है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जी हाँ मैं बात कर रहा हूं इंडिया के टॉप इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐप की जिसका नाम है जोश स्किल्स नाम तो सुना ही होगा ये ऐप आप आपको कैसे हेल्प करेगा जोश स्किल्स का हर एक कोर्स डिजाइन है आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए चलिए स्पोकन इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं रोजाना इस कोर्स में आपको मिलेंगे वीडियो लेसन क्विजेस प्रैक्टिस एंड फेस टू फेस दू दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बात करने का मौका आप क्या सही बोलते हैं और क्या गलत हर एक चीज पर आपको फीडबैक भी दिया जाएगा और तो और लर्निंग को मजेदार बनाने के लिए आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे और टॉप स्कोरर्स को हमारे तरफ से मिलेंगे इससे बेहतर लर्निंग क्या हो सकती है सिर्फ यही नहीं हमने इस ऐप को बदल कर एक ब्रांड न्यू लुक और फील दिया है ताकि आपकी लर्निंग और भी इफेक्टिव हो और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए आज ही डाउनलोड करिए जोश स्किल्स ऐप और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए